फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फीस्ट। तो आज हम बनाने वाले हैं सोयाबीन मंचूरियन। तो उसके लिए हमने लिया है एक बोल ऑफ सोया चंक्स, और अब हम इसे पानी में डाल के बॉईल करेंगे। तो अब हम एक पतीले में पानी बॉईल कर लिया था, तो उसमें हम डालेंगे हमारा सोया चंक्स, और हम इसमें डालेंगे अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। हम इसे करीब 5 मिनट तक बॉईल होने देंगे। तो अब हमने हमारे सोया चंक्स को 5 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने दिया है। एज यू कैन सी, वो अच्छे से फूल गए। तो अब हम इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे। तो अब हम इसे कुछ इस तरीके से दबाकर एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, लाइक सो। सोयाबीन मंचूरियन का सॉस बनाने के लिए हमें लगेगा एक आधा प्याज, एक लहसुन की कलियां और छोटा सा अदरक। तो अब हम इसे चॉप कर लेंगे। तो अब हमने हमारे सोया चंक्स को एक बोल में निकाल लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून ऑफ हल्दी, 1 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच दही और नमक स्वाद अनुसार। तो अब हम इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे करीब दो से तीन टेबलस्पून मैदा, और इसे अच्छे से कोट करके मिक्स करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, एज यू कैन सी। तो अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। हम इसे एक एक करके डालेंगे और एक दूसरे से थोड़ा दूर प्लेस करेंगे, ताकि हो गए हैं हमारे सोया चंक्स रेडी। हमने इन्हें तल के निकाल लिया है। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, लाइक एज यू कैन सी एकदम थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे काजू, इसे हम इसमें टॉस कर लेंगे। इसको हम बाद में हमारे ग्रेवी के ऊपर डालेंगे, टॉप में। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, और इसमें हम डालेंगे कैप्सिकम और एक लाल मिर्च, 1 से 2 लाल मिर्च, आप अपने स्पाइस टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। इसे हम अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो अब हमने हमारे इंग्रेडिएंट्स को बोल में डाल लिया है। तो अब हम एक पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, इसमें हम डालेंगे चॉप प्याज और जिंजर और हमारा गार्लिक। अब आप देख सकते हैं हमारा प्याज गोल्डन हो गया। बोल में पानी ले लिया है, तो उसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन चिली सॉस, और इसमें डालेंगे हम सोया सॉस 1 टेबलस्पून, और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। अब हम इसे डालेंगे हमारे पैन में, लाइक सो। तो इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑफ शुगर, और इसे हम मिला लेंगे, एंड नमक स्वाद। एज यू कैन सी, हमारा सोयाबीन मंचूरियन हो गया है रेडी, एंड इट लुक्स वेरी डिलिशियस। एंड एज ऑलवेज, अगर आपको सोयाबीन नहीं यूज़ करना है, आपको चिकन यूज़ करना है, तो आप चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। यू कैन मेक इट इन द सेम वे। एंड फॉर मोर सच रेसिपीज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फूड फीस्ट, एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, एंड फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज़।